नमस्कार, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 नेताओं के बारे में जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ा है और आलाकमान पर निशाना साधा है। पहला नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल का। बीते काफ़ी समय से उनके रिश्ते कांग्रेस आलाकमान के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ सपा का हाथ थामा है। दूसरा नाम पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ का आता है। सुनील जाखड़ ने इस महीने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। तीसरा नाम गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल का आता है। गुजरात के नेता हार्दिक पटेल ने इस महीने की शुरुआत में पार्टी से दरकिनार किए जाने से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी थी। चौथा नाम पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार का आता है। इस साल की शुरुआत में फरवरी में कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना रिश्ता खत्म कर लिया। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा कि मेरी गरिमा के अनुरूप है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वह निकट भविष्य में कांग्रेस को पतन की ओर जाते हुए देख रहे हैं। पांचवा नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह 32 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन पार्टी अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पिछले साल दिग्गज नेता जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। तभी इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि आरपीएन सिंह भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग खबरों के लिए देखते रहिए अमेजिंग भारत।